तो किसान साथियों, आप सभी का हमारे चैनल स्मार्ट एजुटेक में स्वागत है। जो भी किसान साथी नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देवें और बेल आइकन को प्रेस कर देवें। आज हम आपको बताएंगे हाइब्रिड बाजरा के अंदर अजीत का 41 नंबर बाजरा, जो एक रेपुटेटेड नेम है क्वालिटी सीड के अंदर अजीत सीड का, तो उसके हाइब्रिड बाजरा 41 नंबर के बारे में। तो साथियों देखिए, जैसा कि ये 1.5 किलो का पैकिंग है, जो कि अजीत 41 वेराइटी आती है, बहुत ही अच्छी वेराइटी है और DSIR का नेशनल अवार्ड इसको मिल चुका है। इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं उन सब के बारे में बताएंगे। तो साथियों, सबसे पहली बात तो ये है कि ये है जो हाइब्रिड बाजरा के अंदर बेहतर क्वालिटी का है, जिसके अंदर अधिक पैदावार और एक समान बड़े सीटे आते हैं। तो इसके अंदर है जो एक समान बड़े सीटे आते हैं और अधिक पैदावार होती है, और ये बहुत ही जल्दी पककर तैयार होने वाली किस्म है अजीत 41 नंबर, और सभी परिस्थितियों में ये अनुकूल रहती हैं। और इसका चारा है वो भी एक उत्तम क्वालिटी का होता है, बेहतर क्वालिटी का चारा भी होता है। और ये कौन कौन से स्टेट के अंदर रिकमेंडेड है उसके बारे में भी देखेंगे। तो ये मेनली रूप से खरीफ सीजन के अंदर रिकमेंडेड है कल्टीवेशन ऑफ स्टेट राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के अंदर। और ये सीड ट्रीटेड है मेटालक्स के साथ में, तो ये सीड का ट्रीटमेंट भी कर रखा है। काफ़ी किसानों के क्वेश्चन आते हैं कि ये इसके अंदर लाल दाने कैसे हैं, तो ये ट्रीटमेंट की वजह से लाल दाने होते हैं। और क्या इसकी विशेषताएँ वो भी बताएंगे। तो इसके अंदर क्या, इसमें सभी प्रकार के जो इसके अंदर समान और एक समान आकार के और बड़े बड़े और अधिक सीटें लगते हैं, और अगली फसल की तैयारी के लिए इसमें भरपूर समय मिल जाता है, क्योंकि कम समय में और जल्दी पककर तैयार हो जाती हैं। और अगेती के साथ पचेती बुआई में भी इसकी पैदावार अच्छी होती है, तो अगेती और पचेती दोनों के लिए भी ये अनुकूल रहता है। और इसके अंदर विषम मौसम का भी दुष्प्रभाव कम रहता है, जैसे बार बार मौसम चेंज होता है, वो विषम मौसम होना तो भी। और इसका चारा है जो उत्तम क्वालिटी के साथ साथ भरपूर और पौष्टिक चारा भी होता है, तो जिससे कि पशु जब भी चारा खाएं तो मीठा रहता है इसका। और इसके अलावा इसके फीचर्स हैं जो हैं वो, इससे आर्थिक आय भी अधिक होती है। जैसा कि आप सभी को पता है कि बाजरा का जो अभी एवरेज भाव 25 रुपये किलो के आसपास चल रहा है, तो बाजरा का भी भाव अच्छा मिल जाता है और साथ में चारा भी अच्छा होता है। और अधिक उपज होने के साथ साथ इसमें मंडी में शुरुआती बेहतर भाव पर बेचना भी संभव होता है इसमें, और इसके अलावा दोनों तरह की आय हो जाती है, पशुओं के लिए चारा भी हो जाता है। तो साथियों, आप इसको ज़रूर यूज़ में लेवें, रिव्यूज़ बताएँ। जो भी किसान साथी नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देवें और बेल आइकन को प्रेस कर देवें।